गैसेस हाइड्रोकार्बन अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम, बता दो इसका क्या आंसर है। गैसेस हाइड्रोकार्बन CXHY, इसके साथ रिएक्ट करा, क्या किया, CO2+, तो ये कितना मिला, 0.72 ग्राम ये मिला और 3.08 ग्राम ये मिला। ठीक है, दोनों के मास गिवन है। अब सारा कार्बन इसमें गया होगा और सारा हाइड्रोजन इसमें गया होगा, येस और नो। दैट मीन इसको मैं बोल सकता हूँ 12 out of 44 इज कार्बन, क्योंकि कार्बन CO2 का मास कितना होता है, 44। उस 44 में 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन। 12 upon 44 into 3.08 विल बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन या मास ऑफ कार्बन। ये वाला मैथ समझ आई या नहीं आई, दोबारा बताऊं, आया ये समझ क्या कह रहा हूं मैं दिशा? नहीं, कह रहा है कि ये कंबशन के बाद 3.08 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और इतने ग्राम वाटर दे रहा है। अब मैं बोलूँ इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, तो वो निकालने का तरीका क्या है, तुम ये बोल सकते हो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन। तो 1 ग्राम में कितना हुआ, 12 by 44, तो इतने में कितना हुआ, 3.08 ग्राम में कितना हुआ, 3.08 किलोवाट, 12 upon 44 into 3.08। दैट मीन्स इसको क्विकली करने का तरीका ये है, मास ऑफ एलिमेंट ऊपर, मास ऑफ कंपाउंड नीचे, इंटू जो मास ऑफ गिवन मास ऑफ कंपाउंड है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन H2O में कितना होता है, 2, कितने वाटर में, 18 में, 2 out of 18, और अभी हमारे को कितना गिवन है, 0.7। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं दोनों केसेस में कितना आया, बताओ, 2 बार 18 कहाँ आया, 2 बार 18 कैसे आया, हाइड्रोजन का मास 2 और टोटल वाटर का मास 18, तो 2 है 18 में तो 0.72 में कितना, दोनों के मास आ जाएंगे कितने आए, 12 into 3.08 या आया 1.04, और ये कितना आया, करना तो पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो ये कितना आया, 0.08। ये मास आ गए, इसको मोल से डिवाइड कर, तो मोल से डिवाइड करने के लिए वैसे इसका 12 से 12 कट ही जाता, और इसका ये हाइड्रो ये कार्बन आ गया और ये हाइड्रोजन। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, वैसे ही चल रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन इसका मास कितना है, 1.04, इसका कितना है, 0.,। फिर इसके मोल्स निकालें तो ये आ गया 1 by 12 लगभग, और ये आ गया 0.08, यानी कि 8 by 100। ठीक है, ये मोल्स आ गए, स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको किया गया 1 by 5 आ गया, 4 by, इसको मल्टीप्लाई करके, अच्छा गलत आया, 12 into, हाँ 3.8, 45.6 डिवाइड, नहीं 1.04 ही आ रहा है, हाँ सॉरी डिवाइड बाय 46, हाँ ठीक है, ये गलत हो गया, 0.84 आ रहा है। ठीक है, ये मास है तो 0.84 डिवाइड बाय 12 होगा, 0.84 डिवाइड बाय 12 और 0.08 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये तो कट गया, 100 100 काट दो, रेशियो ही तो लेनी है बाद में। ठीक है, तो आया क्या, सेवन इज टू एट, तो C7H8 की रेशियो मोल्स की। ठीक है, ये समझ आया, दोबारा बताऊं क्या किया, हाँ भाई रौनक, क्वेश्चन करते करते चेहरे की रौनक चली जाती है, क्या हो, यहां तक क्लियर है,